हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस क्लास 8 एसएसटी। स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, एसएसटी का टॉपिक है हमारा, क्लास 8 में एसएसटी है और इसमें मैं आपको इंडेक्स दिखाऊंगा। ये आपका तीन पोर्शंस में डिवाइडेड है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो यूनिट वन आपकी है ज्योग्राफी, यूनिट सेकेंड आपकी हिस्ट्री और यूनिट थर्ड आपके सिविक्स है। आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन में तीनों ही पोर्शन से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी के पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अवर रिसोर्सेज, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अवर रिसोर्सेज। देखिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे अवर रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज, अवर रिसोर्सेज यानी हमारे स्रोत, ठीक है। सोर्सेज, रिसोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, डिफरेंट रिसोर्सेज आर वैल्यूड फॉर द डिफरेंट रीजंस। ह्यूमन बींग्स टू आर अ रिसोर्स बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डेवलप द स्किल्स दैट कैन हेल्प देम आइडेंटिफाई न्यू रिसोर्सेज एंड फाइंड न्यू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। डिफरेंट रिसोर्सेज जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्रोत होते हैं, वो हमारे विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। उनके जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। यहाँ तक कि ह्यूमंस को भी क्या बोला गया है, एक रिसोर्स बोला गया है। हम लोग क्यों रिसोर्स हैं, क्योंकि हम नई चीज़ों को जनरेट करते हैं, हम अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से नई चीज़ों को जनरेट करते हैं। तो हम भी क्या आते हैं, हम भी रिसोर्सेज में ही आते हैं, ठीक है। अर्लियर मैन वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर हिज सर्वाइवल एज हिज नीड्स वर लिमिटेड विद लिमिटेड नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड लैक ऑफ द स्किल्स। ही फाउंड अ फ्यू थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट यूजफुल टू फुलफिल हिज नीड्स। पहले के समय में लोग डिपेंडेंट थे प्रकृति पर, अपने आप से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाते थे, ज़्यादातर मांस खाते थे और कच्चा मांस खाते थे, जानवरों पर डिपेंड थे। उसके बाद एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी आई, तो धीरे धीरे डिपेंडेंसी बढ़ती गई। फॉर एग्जांपल, मैन लिव्ड इन द फॉरेस्ट बाय गैदरिंग एंड हंटिंग एनिमल्स प्रोवाइडेड हिम विद द फूड एंड द लीव्स ऑफ द ट्रीज प्रोवाइडेड हिम विद द क्लॉथिंग एंड दस हिज बेसिक नीड्स वर फुलफिल्ड। क्या था उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएँ थी, वो जंगल से मिलने वाले पेड़ पौधों से पूरी हो जाती थी। आज भी आप देखते हैं टीवी चैनल्स में, आपने देखा होगा कहीं भी किसी आदिवासी इलाके का दिखाते हैं, तो वहाँ के लोग पेड़ों के पत्तों की ही छाल पहनते हैं, पेड़ों के पत्तों को ही यूज़ करते हैं, कंदमूल के फल खाते हैं, कंदमूल खाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि वो वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो टोटली डिपेंड थे नेचर पर। आज हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी यूज़ कर रहे हैं, फैब्रिक्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंसी खुद पर बना रहे हैं, नेचर पर ही डिपेंडेंट नहीं है। इनडायरेक्ट रूप से तो हम नेचर पर डिपेंड रहेंगे ही, हमेशा रहेंगे, क्योंकि बिना प्रकृति के तो आप जीवित रह नहीं सकते, ठीक है। तो देखेंगे आगे। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट विच आर यूजफुल टू द मैन हैव अ वैल्यू आर कॉल्ड द रिसोर्सेज। कह रहा है कि सभी प्रकार के वो ऑब्जेक्ट्स जो हमारे वातावरण में, पर्यावरण में पाए जाते हैं और हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे वाटर, ठीक है, ट्रीज, लीव्स, फ्रूट्स, ठीक, रिवर्स, तो ये सब क्या हैं, रिसोर्सेज हैं, ये हमारे यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब आता अ वैल्यू कैन बी वेरियस काइंड्स ऑफ द लीगल। अब इनकी जो वैल्यू है, ये कह रहा है कि अ रिवर नाउ हैज़ अ वैल्यू अटैच टू इट। एक नदी में बहुत सारी वैल्यूज अटैच्ड होती हैं, जैसे कि क्या, अ वैल्यू यानी उसका मान। अ वैल्यू कैन बी वेरियस काइंड्स ऑफ लीगल, एस्थेटिक, एथिकल एंड इकोनॉमिक, एथिकल और इकोनॉमिक। तो अलग अलग वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट लीगल वैल्यू, अ रिसोर्स हैज़ अ लीगल वैल्यू। एक रिसोर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी लीगल वैल्यू है। कैसे, इन द रेस्पेक्ट ऑफ एग्जाम्पल, इन दिस रेस्पेक्ट एन एग्जाम्पल इज द लॉ पास इन द दिल्ली अंडर क्लीन एयर एक्ट। दिल्ली में एक जो लॉ पास हुआ है, यानी कि अंडर क्लीन एयर एक्ट, कि हवा को शुद्ध रखे,
उसके तहत क्या करना होता है कि ऑल व्हीकल्स मस्ट हैव अ पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट. दिस लॉ प्रोवाइड्स अ लीगल वैल्यू टू द एयर. क्या कह रहा है कि दिस लॉ प्रोवाइड्स अ लीगल वैल्यू टू द एयर. हवा की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए, हवा प्रदूषित ना हो उसको बचाने के लिए, सभी जो वाहन चलते हैं वहाँ उन वाहनों की क्या होती है, एक लीगल कमेटी बैठी हुई है जो कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है वाहन को उनको चेक करने के बाद. बट इन सच केसेस ऑल द थिंग्स आर नॉट क्वाइट करेक्ट. क्या पूरी तरह से पॉल्यूशन ख़त्म हो चुका है? नहीं. वाहन चल रहे हैं, आज ही पुराने वाहन चल रहे हैं, उनकी चेकिंग कैसे होती है वो सब आप लोगों को जानकारी है, ठीक है. बट ये लीगल एक वैल्यू बनाई गई है जो कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए. अब सेकंड आता है एस्थेटिक वैल्यूज. वी शुड प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अवर फॉरेस्ट. हमें अपनी प्राकृतिक सुंदरता को, जंगलों को, पहाड़ों को, नदियों को और झीलों को बचाना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक एन अटैम्प्ट टू गिव द एस्थेटिक वैल्यू टू अवर नेचुरल रिसोर्स. ये ऐसी सोच कि हमें अपनी नदियों, अपने देश के झीलों और पर्वतों को बचाना चाहिए, एस्थेटिक वैल्यू में आती है. यहाँ कोई लीगल नहीं है, हर आदमी नहीं सोच सकता, यहाँ पर मजबूरी है, सभी को सोचना होगा. गवर्नमेंट का आदेश है, गवर्नमेंट का रूल है, यहाँ पर किसी की अपनी भावनाएं हैं. फिर आती है इथिकल वैल्यू, आत्मा से जुड़ी हुई. इट इज़ एसोसिएटेड विद द मॉरल वैल्यूज, यानी ये नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई है जो हमारे ज्ञान की परख के बिहाव पर होती है. विद द ह्यूमन कंडक्ट एंड द बिहेवियर प्रिजर्विंग नेचुरल पार्क्स फॉरेस्ट रिसोर्सेज नॉट ओवर एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिजर्व्स इज एन एथिकल वैल्यू. एथिकल से मतलब है हमारे संस्कारों में, हमारे मान्यताओं में, हमारे पूर्वजों के द्वारा बताए गए ज्ञान में ये एथिकल वैल्यू का जिक्र होता है. एस्थेटिक वैल्यू हमारी देश की सुंदरता और सभ्यता को बचाए रखने के लिए है, और लीगल वैल्यू गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया कानून है जिसके तहत आपको इन नियमों का पालन करना ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स. आगे डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू क्या है. एनी मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्शन हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू. एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वेटर, मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑल हैव द इकोनॉमिक वैल्यूज. एनी मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्शन, किसी भी तरह का मटेरियल जब यूज होता है किसी प्रोडक्शन के लिए तो वो इकोनॉमिक वैल्यू में आ जाती है. प्रोवाइडिंग रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, बेटर मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर आर द इकोनॉमिक वैल्यूज. आप उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक वैल्यू में आती है. इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. क्या इंपॉर्टेंस है टेक्नोलॉजी का? अच्छा, आप सभी साथ समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ भी नहीं है. टेक्नोलॉजी इसेंशियल है. द यूज ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन एंड द टेक्नोलॉजी दे पजेस. रिसोर्सेज का जो डिपेंडेंसी है, द यूज ऑफ द रिसोर्स डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल. ये जरूरत के अनुसार होता है, लोगों को कितनी ज़रूरत है, ठीक है, पानी की लोगों को कितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज का जो है उपयोग समझ में आता है, ठीक है. एंड टेक्नोलॉजी और जो वो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ कर रहे हैं. बाई टेक्नोलॉजी वी मीन द नॉलेज एंड द स्किल दे हैव फॉर यूजिंग देयर रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी वो ज्ञान है या वो कुशलता है जिसके बिहाव पर वो उस चीज़ का, उस रिसोर्स का प्रयोग कर पाते हैं. जैसे आपने डैम देखे हैं, डैम में पानी को यूज रोका जाता है, रोकने के बाद गर्मियों में सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए उस पानी को भेजा जाता है. तो टेक्नोलॉजी क्या है? बांध बनाना एक टेक्नोलॉजी है. वो टेक्नोलॉजी क्या करती है? पानी को स्टोर करती है. अब पानी आ रहा था पीछे से, बड़ी मात्रा में पानी आ रहा था, उसके लिए अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं लगाओगे, बांध नहीं निर्मित करोगे, दीवारें नहीं बनाओगे, चैम्बर्स नहीं बनाओगे, उसमें ओपन नहीं करोगे, तो पानी कैसे निकलेगा? या तो पानी इकट्ठा ही नहीं होगा, और इकट्ठा नहीं होगा तो सीधे शहरों में भागेगा, शहरों में बाढ़ आएगी, उसका डाइवर्जन नहीं करेंगे, उसमें कैनाल्स बनानी पड़ती हैं, छोटी छोटी नदियाँ, नाले बनाने पड़ते हैं जिससे सिंचाई में उसका हम लोग यूज़ कर पाते हैं, ठीक है. तो वही बताया गया है यहाँ पर, दे
they vary and they change from time to time. The early human beings had very few needs, and they were satisfied by collecting materials from their surroundings. पहले के जो इंसान थे, humans थे, वो चीज़ों को इकट्ठा कर लेते थे, पुरानी चीज़ों को जहाँ भी उनको मिलती थी, और उससे बड़े खुश रहते थे. फॉर एग्जाम्पल, अर्ली मैन लिव्ड इन द केव्स, हाउंड्स, हंटेड एनिमल्स एंड एट रॉ मीट्स, कच्चा मांस खा जाते थे. और सम कम्युनिटीज इन द साउथ अफ्रीका लाइक द पाइगमाइस डू इट टिल नाउ, अभी भी ऐसा वो कर रहे हैं. दे लिव ऑन द प्लांट्स एंड द हंट एनिमल्स. टुडे ओनली व्हेन मैन स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ डिड ही स्टार्ट यूजिंग द रिसोर्स विच वर देयर ऑल द टाइम, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ऑल गिफ्ट ऑफ द नेचर. सभी क्या है, प्रकृति के द्वारा दिए हुए हमें उपहार हैं. वर देयर ऑल द टाइम, क्या ये हमेशा रहेंगे. मैं मैन लर्न टू यूज दैम वैन ही डेवलप टेक्नोलॉजी एंड दे बिकम रिसोर्सेज. मैन लर्न टू यूज, मनुष्य को इसके प्रयोग करने का तरीका आना चाहिए. व्हेन ही डेवलप टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, एंड दे बिकम रिसोर्सेज, और वही रिसोर्सेज बन जाते हैं. वो तो एक्चुअल से मैं ऐसे समझिए कि बरसात का पानी आ रहा है, नदियों में जा रहा है. नदियाँ तो पहले से बनी हुई, लेकिन वो रिसोर्सेज तो नहीं थे ना पहले. रिसोर्सेज वो कब बने, जब आपने उसमें डैम बनाया, उस पानी का यूज़ किया, उसे इरीगेट किया, उसे बचा के रखा, तब वो हमारा क्या बना, रिसोर्सेज में कन्वर्ट. जनरल क्लासिफिकेशंस, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मैनमेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं प्राकृतिक स्रोत. प्राकृतिक स्रोत कौन से, जैसे आपके नदियाँ, हवा, पानी, ठीक है, ये हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आता है, जैसे आपने पेड़ लगा दिया, नॉलेज, ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, हेल्थ के बारे में स्किल एंड विजडम, कोई आपने कुशलता, यानी कि आपको कोई मशीन खोलनी आती है, ये आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है ना. इट इज देयर एबिलिटी टू दैट हेल्प इन कन्वर्टिंग द फिजिकल मटेरियल इन टू अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज. इसका मीन्स अधिकतर क्या है कि आप कोई भी फिजिकल मटेरियल को अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज के फॉर्म में यूज़ कर पाएँ, ठीक है. जैसे टंकी खोलने का, टंकी बंद करने का, टैप को यूज़ करना, ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं. फिर आता है ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द मटेरियल्स अवेलेबल इन द एनवायरमेंट. यहाँ पर क्या हो रहा था, आप पेड़ लगा रहे थे, पेड़ आपने बीज लाए, बीज तो मिट्टी से ही था, और इसको आपने लगा दिया अपनी थोड़ी सी कलाकारी दिखा करके, तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्सेज में आ गया. लेकिन जब पृथ्वी पर, अर्थ पर अवेलेबल जो भी मटेरियल्स हैं, जैसे आयरन, गोल्ड वगैरह वगैरह, इन सबको यूज़ करके आप बिल्डिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, मशीनें बनाते हैं, आरा मशीन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो जब मटेरियल्स का यूज करके आप बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाता है, ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाता है. क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी इसके मीन्स है, उनकी क्षरण से मतलब है, उनकी समाप्ति से मतलब है. तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो सोर्सेज हैं. रिन्यूएबल जो दोबारा से नया हो जाए, दोबारा से जनरेट हो जाए, ऐसे रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. जैसे हवा है, हवा चल रही है, हवा रुक जाती है, आप लोग उसे इनहेल भी कर रहे हो, इतनी पब्लिक उसको इनहेल कर रही है, लेकिन क्या वो ख़त्म हो रही है, नहीं, वो आप यूटिलाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी से एयर ट्रांसमिट होती है, फिर एयर में मिक्स होती है, फिर आप उसे यूज़ करते हो, तो ये क्या होता है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. ये ख़त्म नहीं होते हैं, इनका रिप्लेनिशमेंट चलता रहता है, साइकिल बाय साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल. अब आप देखो, केरला से मानसून जनरेट होता है, गर्मी पड़ती है, भाप बनकर वह पानी बन जाता है, जनरेट होकर के महाराष्ट्र, पुणे, नागपुर, ये सब होता हुआ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
हाँ सर, मैं मानसून जनरेट होता हूँ उत्तराखंड में। सर क्या होता है, मानसून जनरेट होता है। फिर आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये हैं ऐसे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है, ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। ये एक बार अगर समाप्त हो जाते हैं तो ये दोबारा नहीं मिल सकते, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, अब बात आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओरिजिन। सबसे पहले जनरल क्लासिफिकेशन था, उसके बाद क्लासिफिकेशन बाय द एग्जॉस्टिबिलिटी के समाप्त समाप्ति की वजह से के बिहार पर, और अब उनकी उत्पत्ति के बिहार पर, वो कैसे उनका ओरिजिन हुआ इस बिहार पर जो है क्लासिफिकेशन, देखिए बेस्ड ऑन द ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक से मतलब जैविक और एबायोटिक से मतलब जो जैविक ना हो, ठीक है, गैर जैविक। जैविक से मतलब है जो अर्थ से रिलेटेड हो, जो जिसमें लाइफ हो, जिसमें लाइफ वर्क कर रही हो, जो लिविंग बींग में आता है, वो सब बायोटिक नाम है। दो रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग एंड ऑर्गेनिक मैटर्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज, लिविंग एंड ऑर्गेनिक। दे इंक्लूड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ग्रासेस, हर्ब्स, क्रॉप्स, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, ETC। ये सब क्या आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे जंगल है, घास है, फसलें हैं, जंगली जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, पक्षी हैं, चिड़िया हैं, मछलियाँ हैं। तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटिस्फाइंग अवर डे टू डे लाइफ नीड्स। ऑल द बायोटिक रिसोर्सेज हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट विद इन अ पीरियड ऑफ अ टाइम, दस दे आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है एबायोटिक रिसोर्सेज, दोज टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज अबायोटिक रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, रॉक्स एंड मिनरल्स आर अबायोटिक रिसोर्सेज। क्या है, जो कि नॉन लिविंग चीज़ों से जनरेट होती है। सम अबायोटिक रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल ऑल्सो, वाइल सम ऑफ डैम लाइक वाटर एंड एयर आर द रिन्यूएबल। कुछ इसमें से नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कुछ रिन्यूएबल होते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट एंड द यूजेस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी वृद्धि और उसके प्रयोग के विषय में के बिहार पर उसका क्लासिफिकेशन है, एक्चुअल रिसोर्सेज, फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज, फिर रिजर्व और फिर स्टॉक्स। ऑल द रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स whose quantities are known and which are being used by man are called the actual sources. ऐसे resources जो recycled ना होते हों, जैसे petrol, diesel, kerosene, और इंसानों द्वारा use करे जाते हों, वो actual resources कहलाते हैं। For example, मैंने आपको बता दिया, for example, coal reserve in Jharkhand is an actual resource। तो हम बात कर रहे थे कि झारखंड में जो ये है, ये एक्चुअल रिसोर्स में आता है। सिमिलरली वाटर फ्लो थ्रू द गंगाज इज एन एक्चुअल रिसोर्स बिकॉज वी आर यूजिंग दिस वाटर फॉर मैनी पर्पज। गंगा का जल भी एक एक्चुअल रिसोर्स है, और दिस रिच डिपॉजिट ऑफ द पेट्रोलियम इन द वेस्ट, द रिच डिपॉजिट ऑफ द पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, द डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन द महाराष्ट्र आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज। यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स से निकल रहे हैं और जो हमारे यूज के हैं और एक ना एक दिन खत्म होना है जिनको, वो सारे रिसोर्सेज एक्चुअल रिसोर्सेज मानते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन अ रीजन बट आर नॉट फुली डेवलप्ड ड्यू टू इनएक्सेसिबिलिटी एंड इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसे रिसोर्सेज विच आर एग्जिस्ट इन द रीजन, जो किसी क्षेत्र में एग्जिस्ट तो करते हैं बट नॉट फुली डेवलप्ड, लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं है। दीज रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड
इन द नियर फ्यूचर विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए तो ये रिसोर्सेज का भी जनरेशन अच्छा हो सकता है. अभी हैं लेकिन ये उतना ज़्यादा मतलब ऐसा कहें फेमस नहीं है. एग्जाम्पल राजस्थान हैज़ अ पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोलर एंड विंड एनर्जी बट इट इज़ नॉट फुली डेवलप्ड. ये देखो विंड मिल आपको दिखाई पड़ रही है तो यहाँ से एनर्जी तो जनरेट होती है लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में अभी इसको यूज नहीं किया जा रहा. टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं कुछ समझौते हैं जिनको करने की अभी नीड है. तमिलनाडु इज़ द लीडिंग स्टेट इन द टर्म्स ऑफ द विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया. तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का यूज अभी किया जा रहा है और इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इसको और देश के भी हिस्सों में किया जाएगा. रिजर्व रिसोर्स विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट देयर है देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड आर फॉर द रिजर्व्स. रिजर्व्स क्या होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो विच कैन बी पुट इन टू यूज़ जिनको यूज़ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जिसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से यूज किया जा सकता है बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्ट. अभी तक उसको स्टार्ट नहीं किया गया वो रिजर्व में है रखा हुआ है सेफ है. दे कैन बी यूज इन द फ्यूचर. एग्जांपल मोर रिवर्स कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. अत्यधिक मात्रा में बिजली का प्रयोग किया जा सकता है नदियों के द्वारा. स्टॉक्स दीज आर द रिजर्व्स विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट वी डू नॉट हैव appropriate टेक्नोलॉजी टू एक्सेस. ऐसे रिजर्व्स ऐसे स्रोत जो विच हैव द पोटेंशियल टू सेफ्टी सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स हमारी सारी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं लेकिन अभी उनको टेक्नोलॉजी की वजह से यूज़ नहीं किया जा रहा है तो वो स्टॉक्स में है. जो रिजर्व है वही स्टॉक्स में रखे जाते हैं. ठीक है. रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज फॉर द डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग विद द नेशनल प्रायोरिटीज इस कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स. क्या है इस रिसोर्सेज के तीन कंपोनेंट. रिसोर्स इन्वेंट्री इट इंक्लूड्स सर्वेइंग मैपिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिसोर्सेज. इट इंपॉर्टेंट टू नो अमाउंट ऑफ द क्वालिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द देयर प्रेजेंट स्टेज ऑफ द यूटिलाइजेशन. क्या होता है कि आप रिसोर्स की इन्वेंट्री करते हैं उसकी इंस्पेक्शन करते हैं सर्वे करते हैं मैपिंग करते हैं मेजरमेंट करते हैं कि कहाँ पर रिसोर्सेज पाए जा सकते हैं. फिर आता है इवोल्यूशन उसका मूल्यांकन. इन दिस कंपोनेंट इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स सर्वे इज एग्जाम अगेंस्ट टेक्नोलॉजी इकोनॉमी इकोलॉजी एंड सोसाइटी टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट. जैसे आप लोग एग्ज़ाम करते हैं तो आपकी नोटबुक का चेकिंग होता है उसका एवोल्यूशन होता है वैसे ही यहाँ एवोल्यूशन है कि कोई एक जनरेट किया जा रहा है कोई एक स्रोत को तो वो कहाँ पर उसकी एक्सेसिबिलिटी पूरी बन सकती है वो कैसे काम कर सकता है उसकी इकोनॉमी क्या होगी इकोलॉजी क्या होगी क्या उसका बेनिफिट होगा या उसका लॉस होगा सब पर डिस्कस किया जाता है. इकोनॉमी होता है डेवलपमेंट. जब आपने इन्वेंट्री कर लिया आपने एवोल्यूशन कर लिया अगर फ़ायदा होगा तो आपको डेवलपमेंट उसमें मिल जाता है. कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज का आप समझते हैं रिसोर्सेज को बचा करके चलिए रिसोर्स बचा करके चलिए सुरक्षित रख के चलिए जहाँ पर यूज़ हो तभी यूज़ करिए. इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में होती है बिजली आ रही है रात में या दिन में अननेसेसरी लाइटें चल रही हैं अननेसेसरी फैन चल रहे हैं तो उनको आप बचाइए ये कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज में आता है. पानी बचाइए पानी को वेस्टेज रोकिए. अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स. Resources are features of the environment that are important to the human one from to the other. Hence, conserving natural resources is very essential. देखो एक स्रोत दूसरे स्रोत पर डिपेंडेंसी लगता है और इसीलिए हमें जो है नेचुरल सोर्सेज को क्या करना चाहिए कंजर्व करना चाहिए. कंजर्वेशन इज द वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज. अ रिन्यूएबल रिसोर्स व्हेन कंज्यूम टेक्स सम टाइम टू गेट रिप्लेस्ड. A renewable resources when consumed take some time to get replaced. Renewable resources क्या होता है आपने एक बार उसको यूज़ कर लिया तो वो कुछ समय के बाद फिर से अपनी जगह पर आ जाता है रिप्लेस हो जाता है. We need to conserve so that we have resources for the future generations. हमें ऐसे conserve करने चाहिए resources को ताकि उनका use future में भी हो सके. आज हम यूज़ कर रहे हैं वो कल भी यूज़ हो सके. अगर आपने किसी एक आम के बाग में आम खाया तो अगले साल फिर आप उसमें से आम खाओगे उसके अगले साल फिर आप उसमें से आम खाओगे क्योंकि उसको काम आम देना है. ठीक है.
and also protect the resources from the getting polluted and or the depleted. This conservation of the natural resources help us to meet our daily needs without destroying the ability of the future generation to meet their needs. This is known as sustainable development. Sustainable development से simple आप समझ सकते हैं कि आपको जब आपके द्वारा यूज किया गया प्रोडक्ट अगले आने वाले समय में उसका यूज कराया जा सके तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है. देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट डैमेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी मिनिमाइज्ड. इनके जो हानियां हैं उनको कम से कम किया जाए. बांध में पानी रोका जा रहा है, उसका इरीगेशन सही तरीके से हो, बिजली की खपत सही तरीके से हो, वेस्टेज रोका जाए, पानी का वेस्टेज रोका जाए. The population and the distribution of rare and threatened species should be increased. ऐसी species जिनको जो मृत्यु के कगार पर हैं उनको बचाया जाए. जैसे गंगा में डॉल्फिन, उसको बचाया जा रहा है, वो पॉल्यूशन से बच रही हैं. और अभी लॉकडाउन में तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गंगा पवित्र हो चुकी है, निर्मल हो चुकी है. The future of our planet and its People now depend on our ability to maintain, preserve and sustain the life support system which nature has provided us. It is therefore our first and foremost duty to improve the quality of the human life through the interaction among all the nations. हमारे अन्य देशों के साथ जो हमारे लाइफ स्टाइल्स हैं उनका जो इंट्रैक्शन है वो सुधरे. Make effort to utilize and sustain the renewable sources. ऐसे प्रयास करना चाहिए कि हम उन रिन्यूएबल सोर्सेज को सस्टेन कर सकें, बचा के चल सकें. मिनिमाइज डैमेज, इनके जो हानियाँ हैं उनको कम से कम करा जाए. इरेडिकेट पॉवर्टी, रिड्यूस द डिफरेंशिएट बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द डेवलपिंग नेशंस. जो विकासशील और विकसित देशों के बीच में जो खाई है उसको पूरा किया जा सके. मैनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड अमंग द कंट्रीज विच सीक टू प्रोटेक्ट the interest of the present as well as the future generation. For example, agreement of the environment and the agreement of environment and agreement of the climate changes and the global warming in June 1992 the United Nations held a conference on the environment and development at Rio de Janeiro to call for sustainable economic development. It was later called the Earth Summit. भारत समेत बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमें अपनी कंट्री, हमें अपने कंट्री के साथ पूरे विश्व को बचाना है. देखो सभी अपने अपने कास्ट कम्युनिटी में को जनरेट करते हैं, उनको प्रोवाइड प्रोटेक्शन देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, लेकिन हवा पानी ये किसी का नाम लेकर के नहीं आती है. इसको जनरेट करना है, इसको बचाना है, इसके लिए सारे लोग एक साथ मिलेंगे, सारे देश एक साथ मिलेंगे, तब जाकर के इस चीज़ बच पाएंगे. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक चैप्टर समझ में आया होगा. आगे हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में. ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन यू विल टेक अगेन दिस वीडियो एंड रिसाइट दिस वीडियो ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सके. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.